क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत का आत्मा ने स्टीव हफ के साथ बात की? स्टीव हफ जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उससे कम्युनिकेशन बनता है, आज बात करेंगे इस वीडियो पे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और आगे देखते रहिए क्या सच में वो एक कम्युनिकेशन हुआ था या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रीत, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूं और तकरीबन लास्ट 8 साल से मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जाने के कुछ ही महीने, 1 महीने या 2 महीने के बाद एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ इंडियन मीडिया पे, और बहुत जन इस वीडियो के ऊपर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को कमेंट करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए। तो हालांकि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी किसी भी चीज़ को जज करने से पहले, किसी भी चीज़ पे कुछ बोलने से पहले उसको थोड़ो एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर एविडेंस के साथ कोशिश करते हैं कि आप सभी तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीव हफ एंड सुशांत सिंह राजपूत के कम्युनिकेशन के पीछे का सच क्या है। दोस्तों, स्टीव हफ जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और उन्होंने बहुत सारे, उनके वीडियोस अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन, जो गुजर गए हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, लेकिन बात यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का हो रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर और उनके साथ बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फैंस उनके पास थे। क्या सच में स्टीव हफ ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कम्युनिकेशन की? तो वैसे बहुत एक इस पर मैंने एक रिसर्च करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, क्योंकि पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आए कि इतने क्लियरली, इतने प्रॉपर हेल्दी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन होना, वही सबसे बड़ा सवाल था मेरे मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये किस तरह से हो सकता है। दूसरी है कि मैं उनके जो, अगर आपने मेरा पहला वीडियो आपने देखा है जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के वो रेस्पॉन्स टू सुशांत सिंह राजपूत, वो वीडियो में मैंने एक चीज़ बात किया था स्टीव हफ के बारे में कि स्टीव हफ जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस उन्होंने कभी नहीं बताया। उन्होंने जस्ट ये बताया कि उनको 10 साल या 8 साल तकरीबन लगे ये इंस्ट्रूमेंट को बनाने में, लेकिन मैंने सोचा कि उनके इंस्ट्रूमेंट में एक थोड़ा क्या इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं, क्या है वो इंस्ट्रूमेंट, तो मैं पता करने की कोशिश किया। तो मुझे आया ये जो इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ करते हैं ये एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो अब आफ्टर थोरो रिसर्च मुझे पता चला कि ये जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहे हैं, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज़ कर रहे हैं, ये है H9 इवेंट टाइड हारमोनाइज़र, जो कि एक ऑडियो इफेक्ट्स कॉन्सोल आप बोल सकते हो उसे। तब मेरे दिमाग में आया कि एक स्पिरिट कम्युनिकेशन में उनको ऑडियो इफेक्ट्स क्यों चाहिए, उनको ऑडियो इफेक्ट्स कंसोल क्यों चाहिए। इसके बारे में H9 एवेंटेड हारमोनाइजर का जो मैंने स्पेसिफिकेशन पढ़ा उसमें बहुत सारे इनबिल्ट इफेक्ट्स के बारे में बात किया गया है, डिस्टोर्शंस, कोरस, रिवर, बहुत सारी चीज़। तो मुझे थोड़ा आई वॉज लिटिल बिट डाइसी कि किस तरह से उन्होंने ये किया है। तो फिर बहुत जन ने कमेंट किया एंड एवरीथिंग। तो फिर मैंने 2016 का एक इंटरव्यू मैंने देखा था सुशांत सिंह राजपूत का अनुपमा चोपड़ा के साथ, ठीक है। तो उसमें कुछ शब्द जो है, मैं पूरा क्लिप्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊँगा, बट आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ जाएंगे क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं एक क्लिप आपको यहाँ पे सुनाता हूँ, फिर दोनों को मिला के आपको दिखाता हूँ, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, that this time you are thinking about what the I'm doing. तो फ्रेंड, इसमें मुझे ये लगा कि उन्होंने एक पर्टिकुलर ऑडियो को पिक किया वहाँ से एंड देन उस पर पिच को लो करके उस पर कुछ इफेक्ट्स ऐड करके उन्होंने ये साउंड को थोड़ा बहुत चेंज करके इस तरह से आउटपुट में दिखाया कि पूरा सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाता है। बट पहली चीज़ मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, स्पिरिट कम्युनिकेशन जितने भी बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे इस दुनिया में, चाहे वो कोरोस सर हो, चाहे वो एड एंड लॉरेन हो, चाहे कोई और हो, कभी भी इतने क्लियर कम्युनिकेशन, इतने इंटेलिजेंट कि आप एक सवाल पूछ रहे हो तुरंत आपका जवाब आ रहा है, इतने क्लियरिटी, ये एक सवाल के गहरे में लाते हैं।
एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जहाँ पर हम लोग बात करेंगे रियल या यू नो हमारे ओपिनियन क्या है कोई भी एक पर्टिकुलर पैरानॉर्मल वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है यू नो सोशल मीडिया पे। एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।